भोपाल स्थित मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में 8 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल इन छात्रों का दोष सिर्फ इतना था कि इनकी जो 4 महीने की क्लास नहीं लगी है, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते हुए प्रबंधन से क्लास लगाने की मांग की। इसके एवज में मात्र 7 दिनों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गईं, जबकि ये प्रदर्शनकारी कलाएं हैं और 4 महीने के कोर्स को 7 दिनों में नहीं निपटाया जा सकता। इसके बाद जब शांतिपूर्वक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों द्वारा विरोध किया गया तो निदेशक आलोक चटर्जी ने तानाशाही पूर्ण निर्णय करते हुए इन 8 छात्रों को संस्थान से निष्कासित कर दिया है। यानी कि अब अपने अध्ययन की मांग करना भी छात्रों के लिए गुनाह होता जा रहा है। यही वजह है कि पूरे मध्य प्रदेश सहित देश भर में इस तानाशाही पूर्ण रवैये का जमकर विरोध हो रहा है। छतरपुर में भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के कलाकारों और पदाधिकारियों द्वारा इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय गांधी आश्रम से एक रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन छात्र छात्राओं के निष्कासन को वापस लेने और निदेशक के तानाशाही पूर्ण रवैये को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। ये ज्ञापन जो हमने माननीय कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं, ये माननीय राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जहां सत्र 2019-20 के छात्रों की जो पढ़ाई है वो 4 महीने कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई छात्रों ने, और अगला सत्र 2020-21 के प्रवेश दे दिए गए वहां पे, तो जो पुराने छात्र थे 19-20 के, उन्होंने अपने 4 महीने के कोर्स वर्क को पूरा करने के लिए निदेशक से अनुरोध किया। निदेशक ने उस अनुरोध पर केवल 7 दिन की ऑनलाइन क्लास करके और उसकी इतिश्री कर दी, जबकि ये प्रदर्शनकाली कलाएं हैं जिनके लिए क्लास होना बहुत आवश्यक है। और आप सोच सकते हैं कि 4 महीने की क्लास को अगर 7 दिन ऑनलाइन में निपटाएंगे तो बच्चों ने क्या सीखा होगा। इसको लेकर के बच्चों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया पे इसका विरोध किया, तो निदेशक ने एक तानाशाही पूर्ण आदेश जारी किया और उन 8 बच्चों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको MPFD से निष्कासित कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन उन बच्चों को एडमिशन उनका बहाल करने, उनका कोर्स पूरा करने और जो तानाशाह निदेशक है उसको हटाने के लिए हम लोग देने आए हैं।